नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। देहरादून में आज कांग्रेस की विजय सम्मान रैली में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि उत्तराखंड से मेरा पुराना रिश्ता है। उन्होंने कहा कि दून स्कूल में मैं पढ़ा हूं, मेरे परिवार और उत्तराखंड का रिश्ता मजबूत है। मेरी दादी और मेरे पिता देश के लिए शहीद हुए, जो कुर्बानी उत्तराखंड के लोगों ने दी मेरे परिवार ने भी दी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के सैन्य परिवार इस रिश्ते को अच्छी तरह समझते हैं। जिस परिवार के व्यक्ति ने कुर्बानी नहीं दी वो कभी इस बात को नहीं समझ सकते। सम्मानित कांग्रेस परिवार के सभी यहाँ आए हुए मेरे बुजुर्ग उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित रैली में आज राहुल गांधी का फोकस बलिदान, बेरोजगार, महंगाई और पूंजीपतियों पर रहा। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के भाजपा नेताओं पर केवल निशाना नहीं साधा बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथ लिया। राहुल गांधी ने कहा कि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान ने 13 दिनों के भीतर ही अपना सिर झुका लिया था। आमतौर पर एक युद्ध 6 महीने 1-2 साल तक लड़ा जाता है। अफगानिस्तान को हराने में अमेरिका को 20 साल लग गए, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को 13 दिनों में ही हरा दिया क्योंकि भारत एकजुट था और एक के रूप में खड़ा था। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश युद्ध को लेकर आज दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया गया, उस समारोह में इंदिरा गांधी का कोई जिक्र नहीं था। जिस महिला ने इस देश के लिए 32 गोलियां ली उसका नाम निमंत्रण पत्र में नहीं था क्योंकि ये सरकार सच से डरती है। इस दौरान राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए राहुल ने कहा कि आज देश को बांटा जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरी सरकार 2-3 पूंजीपतियों के लिए चलाई जा रही है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि कानून पर कहते हैं कि गलती हो गई, सरकार ने जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजा तक नहीं दिया, 2-3 उद्योगपतियों के लिए ये सब किया जा रहा है। जब हिंदुस्तान एक होकर खड़ा होता है, एक आवाज से बोलता है, तो अमेरिका की 7th फ्लीट घूमकर वापस चली जाती है। कोई खड़ा नहीं हो सकता इस देश के सामने। अगर ये देश एक साथ मिलकर एक आवाज के साथ बोलता है, कोई शक्ति नहीं है दुनिया में। भाइयों और बहनों, दुख की बात क्या है, आज देश को बांटा जा रहा है, देश को कमजोर किया जा रहा है। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।